बहुत समय पहले एक अनोखी और जादुई नगरी थी जिसका नाम शक्तिलोक था। यह नगरी अपनी अद्वितीय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी, क्योंकि वहां शक्ति स्रोत नामक एक दिव्य पत्थर छिपा हुआ था। यह पत्थर जिसे मिल जाए वह अजेय बन जाता था, लेकिन सदियों से यह पत्थर गायब था और शक्तिलोक धीरे धीरे अपनी महानता खो चुका था। तभी एक भविष्यवाणी हुई, शक्तिलोक को बचाने के लिए एक नायक का जन्म होगा जो उस शक्ति स्रोत को ढूंढ निकालेगा। वर्तमान समय में शक्तिलोक के राजकुमार आरव की कहानी शुरू होती है। आरव एक शांतिप्रिय व्यक्ति था जिसने कभी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उसके राज्य पर एक नया खतरा मंडरा रहा था। शक्तिलोक का शत्रु महाकाल, जो तामसिक शक्तियों का स्वामी था, अपने राक्षसों की सेना के साथ राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। महाकाल को शक्ति स्रोत का पता चल चुका था और वह उसे पाकर पूरे संसार को अपने अधीन करना चाहता था। राजा ने आरव को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह शक्ति स्रोत को ढूंढे और राज्य को महाकाल से बचाए। आरव पहले तो असमंजस में था, क्योंकि वह कभी युद्ध या संघर्ष का हिस्सा नहीं रहा था, लेकिन अपने राज्य और प्रजा के प्रति उसकी निष्ठा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। अपनी यात्रा की शुरुआत में आरव को कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे परिभ्रमण वन से गुजरना पड़ा, जहां हर रास्ता उसे भटकाने के लिए बदल जाता था। लेकिन आरव के अंदर कुछ अलग था, उसका आत्मविश्वास और उसके दिल में सच्चाई। उसने अपने ज्ञान और साहस से यह चुनौती पार की। फिर उसकी यात्रा अंधकार की घाटी में हुई, जहां महाकाल के भेजे हुए राक्षस उसे मारने के लिए तैयार थे। आरव ने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से उन्हें मात दी और घाटी से सुरक्षित बाहर निकल गया। अंतिम परीक्षा थी शून्य किला, जहां शक्ति स्रोत छुपा हुआ था। इस किले की रक्षा एक प्राचीन राक्षस कालवृत करता था। आरव और कालवृत के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कालवृत अजेय था, लेकिन आरव ने अपनी शांति, आत्मनियंत्रण और साहस का सहारा लिया। अंततः आरव ने कालवृत को हराया और शक्ति स्रोत प्राप्त किया। लेकिन जैसे ही आरव ने शक्ति स्रोत को छुआ, उसे एहसास हुआ कि असली शक्ति पत्थर में नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर है। उसकी निष्ठा, धैर्य और न्यायप्रियता ही उसकी असली ताकत थी। उसने शक्ति स्रोत का उपयोग करने के बजाय उसे वहीं छोड़ दिया। ये समझते हुए कि किसी भी एक व्यक्ति को इतनी ताकत नहीं मिलनी चाहिए, आरव शक्तिलोक वापस आया और महाकाल से निर्णायक युद्ध लड़ा। लेकिन अब आरव बदल चुका था। उसके पास शक्ति स्रोत की शक्ति नहीं थी बल्कि आत्मविश्वास और अपने कर्तव्यों का सही ज्ञान था। उसने अपनी बुद्धिमानी से महाकाल को पराजित किया और शक्तिलोक को बचा लिया। अंत में आरव को एक महान राजा के रूप में जाना गया, जिसने न केवल अपने राज्य को बचाया बल्कि सच्ची शक्ति का सही अर्थ भी समझा। शक्तिलोक एक बार फिर से समृद्ध हो गया और आरव की कहानी सदियों तक गाई जाती रही। ये कहानी आत्मज्ञान, साहस और सच्ची शक्ति की प्रेरणा देती है, जो किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर छिपी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।